हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आप होंगे और अपनी तैयारी के अंदर लगे हुए होंगे। तो आज का ये जो अपना पेपर है, ये आरपीएससी के द्वारा लिया गया था। ये लेक्चरर वाला पेपर है, स्कूली लेक्चर वाला नहीं है। ये आपके आयुर्वेद डिपार्टमेंट का जो लेक्चरर होता है उसका आपका पेपर है। तो इसमें राजस्थान जीके के आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं 30 क्वेश्चन को अपन हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, राजस्थान में साख पंचकूटा में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है आपको बताना है। तो देख लेते हैं, केर सांगरी खेलरा अमचूर फोगला, केर सांगरी कुम्मटी अमचूर कचरी, केर सांगरी टिंडा अमचूर और बेर, केर सांगरी कुम्मटी अमचूर और गुंदा। तो ऑप्शन नंबर 4 में, कल या परसों के पेपर में मैंने आपको बताया भी था। देखो ये सवाल आपका बन चुका है। मैंने बताया था कि भाई आपके राजस्थान में जो पंचकूटा का साग होता है उसमें 5 चीज़ें शामिल होती है। एक तो केर हो गया, सांगरी हो गया, कुम्मटिया हो गया, अमचूर हो गया और गूंदा हो गया। इसको मिला के आपका पंचकूटा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तियां हरी पत्तेदार सब्जियां कहलाती हैं। पांसी, पंचकूटा, पंसेरी और भूसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पांसी कहलाती है। क्या कहलाती है? पांसी। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य की समस्या के लिए जिस बेल के फल का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पेट दर्द और रेचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी, खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। तो चौथा का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, कट्टू आलू और सिंघाड़ा। कट्टू आलू और सिंघाड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फसलों को उस समय के समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिसकी समस्त फसलें आहार संस्कृति के स्थलों से प्राप्त हुई है। तो पांचवे का अपन देख लेते हैं राइट आंसर। एक तो जो प्राप्त हुआ था, एक बाजरा और एक चावल। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छठे का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, गणेश्वर। सभी सभ्यताओं की जननी, ताम्र सभ्यताओं की जो जननी है गणेश्वरी। गणेश्वर आपके नीम के थाना में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? नीम का थाना नया जिले के अंदर पड़ती, कांथली नदी के किनारे थी। इसकी जो खोज करी थी वो वीएन मिश्र के द्वारा की गई थी 1977-78। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ऊप छठ मनाई जाती श्रावण भाद्रपद कार्तिक और चैत्र में। तो ऊप छठ जो आपकी मनाई जाती है, सातवें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाद्रपद मास में मनाई जाती है। कब कब भाई? भाद्रपद मास में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बुखार में निम्नांकित में से कौन सी एक जड़ी बूटी लाभदायक है? तो आठवां का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंगी एब्यूटिलोन इंडिकम। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंडोरा पहना जाता है ललाट पर, गले पर, कमर पर, कलाई पर। तो कंडोरा जो पहना जाता है ये आपके कमर पर पहना जाता है। किस पे पहना जाता है? कमर पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंडोरा हो गया, इसके अलावा आपकी कणकती, ये कणकती, कणकती भी आपकी कहाँ पहनी जाती? तो ये भी आपकी पहनी जाती है कमर के अंदर, कंडोरा, कणकती। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो सटका, इसके अलावा बात करो तो चौथ, इसके अलावा बात करो तो करदनी। ये सारे जो आभूषण है ना, ये आपके कमर के आभूषण है। वापस से बता देता हूँ, कंडोरा, कणकती, करदनी, सटका, चौथ, ये सारे जो है आपके कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जोधपुर संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? पीरियड प्रथम, पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड, पीरियड 4। तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पीरियड थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोक देवता तेजाजी की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है, वे स्थान है नागौर, आसपुर, पुष्कर, पर्वतसर। अब देखो, अगर आप चार ऑप्शन अच्छे से नहीं पढ़ते तो आपने सीधा ही पहला क्वेश्चन राइट कर देते, लेकिन ये गलत है क्योंकि नीचे पर्वतसर दिया हुआ है। ठीक है, पूरा उस स्थल का ही नाम दे रखा, तो बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब कुछ बच्चों के मन में आ गया डिलीट हो जाएगा, डिलीट नहीं होता ऐसे क्वेश्चन। अगर आपको जिले का नाम और उस जिले के अंदर जहाँ मेला लगता वो दे रखा है, तो बिल्कुल वही सही करना, आपको जिले का नाम सही नहीं करना।
इसलिए कहते हैं ना ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन चारों आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, तब आपका जो ऑप्शन नंबर चार है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। गलत युग्म को चुनिए, गलत युग्म को चुनना देख लेते हैं, गलत युग्म आपके इसमें कौन सा है। बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल, करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर, अलवर प्रजामंडल हरि नारायण शर्मा, झालावाड़ प्रजामंडल पन्नालाल त्रिवेदी। तो यही आपका असुमेलित है, ऑप्शन नंबर चार जो है आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे, उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी है। तो 13 का अपन राइट आंसर देख लेते, केवल एक सही है, केवल दो सही है, ना एक ना दो सही है, एक और दो दोनों ही सही है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना, एक और दो दोनों ही सही है। चौदवा क्वेश्चन है, समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन प्रचार तथा प्रसार किया वह है। तो चौदवे का अपन देख लेते हैं, नवीन राजस्थान, प्रभात, नवजीवन, लोकवाणी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नवजीवन राजस्थान, ऑप्शन नंबर एक जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर दयानंद ने प्रोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, शाहपुरा, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। जो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, उदयपुर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखते हुए, सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, एक तरफ पहाड़िया एक तरफ पर्वतमालाएं हैं, तो उसको सही सुमेलित करने की अपन कोशिश करते हैं। देखो मालखेत की जो पहाड़ियाँ पड़ती है ना आपकी, मालखेत की जो आपकी पहाड़ियाँ पड़ती है वो पड़ती है आपके उत्तरी अरावली के अंदर, ठीक है। नागपानी जो पड़ती है, नागपानी ये पड़ती है दक्षिण अरावली में, ठीक है। बिलाली जो पड़ती है, बिलाली भी आपकी उत्तरी अरावली में पड़ती है, नागपाड़ आपके मध्य अरावली में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका 3-2, 3-2, 3-1, अब देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है, मध्य अरावली का गिरिपात क्षेत्र, विद्यान क्षेत्र, हाड़ोती क्षेत्र और शेखावटी क्षेत्र। तो 17 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, शेखावटी क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा में कम होता जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18वें का आपका, दक्षिणी पूर्व से जब उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो बारिश की मात्रा धीरे 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 कम होती जाती है आपकी है। अगला, एक तरफ आपके जिले हैं, एक तरफ आपके जिले हैं, तो सुमेलित करना है। नवलखा झील जो पड़ती है बूंदी में पड़ती है, नक्की झील आपकी सिर में पड़ती है, उम्मेद सागर जोधपुर में पड़ता है, अनूप सागर आपका बीकानेर में पड़ता है, ठीक है। तो 19वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा, ऑप्शन नंबर वन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है। तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, हाड़ोती के पठार में, जिसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। हाड़ोती के पठार में आपके चार जिले हैं, बूंदी, बारा, कोटा और झालावाड़, ठीक है। ये चार जिले आपके हाड़ोती के पठार में शामिल हैं। यह मिट्टी पाई जाती है मध्यम काली, अगर आपको वैज्ञानिक दृष्टि से पूछ लेते हैं, मिट्टी पाई जाती है वर्टिसोल, कौन सी सोल, वर्टिसोल, क्लियर है, वर्टिसोल प्रकार की मिट्टी आपकी पाई जाती है। 21वां क्वेश्चन आपके सामने है, 2020 से 21 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रों के जिलों को अवरोही क्रम में सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, 21वें का राइट आंसर आपका जो होने वाला है कौन सा होगा। देखो
सबसे पहले बारह की बात कर लो तो बारह का है आपका दूसरा स्थान है ना, बारह का कौन सा हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में बात करूँ ना, उदयपुर सबसे पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा वन है। इसके बाद में बात करूँ तो आपका करौली होगा, करौली के बाद आप करौली है ना, करौली करौली जो है आपका है ये चौथे नंबर पर, और चित्तौड़गढ़ जो है आपका तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, बारह दूसरे नंबर पर, उदयपुर एक नंबर पर हो जाएगा आपका, और चित्तौड़ का गलत है, एक मिनट, ये चार नंबर पर होगा भाई, चित्तौड़ चार नंबर पर होगा और करौली तीन नंबर पर होगा, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दो एक चार तीन इसका राइट आंसर होगा, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में कौन से ज़िले में वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 22वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ऑप्शन नंबर चार जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आदिवासियों द्वारा राजस्थान में ये आपकी वालरा कृषि की जाती है, और ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, जनजातियाँ भी है, तो यही की जाती है आपकी वालरा कृषि, वाली कृषि। तो ये जो वालरा कृषि आपकी जो अगर मैदानों में की जाती है तो उसे दजिया कहा जाता है, और पहाड़ों पर की जाती है तो उसे चीमाता के नाम से जाना जाता है। ये सवाल भी एग्जाम से पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें राजस्थान भेड़ से संबंधित नहीं है? तो देखो, मगरा खैरी तो है आपकी, चोखला सुनाड़ी भी है, पोंगल नाली भी है, लेकिन मुर्रा और राठी नहीं है, मुर्रा और राठी नहीं है, ऑप्शन नंबर चार जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जालौर, ऑप्शन नंबर चार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जालौर, क्लियर है। नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बनास, ऑप्शन नंबर चार जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं? ये मैंने पहले कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब भी ऐसा सवाल आवे तो बिल्कुल सिरोही माउंट आबू पे जाना आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टू जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? प्रतिशत पूछा भी, तो प्रतिशत सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा का गंगानगर में, ऑप्शन नंबर फोर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेड़स नदी का उद्गम स्थल है, बेड़स नदी आपकी निकलती है कहाँ से? बेड़स नदी जो आपकी निकलती है वो आपकी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी से, कहाँ से निकलती है भाई? गोगुंदा की पहाड़ी से आपकी निकलती है, ठीक है, क्लियर है। नागपाड़ से आपकी लूणी नदी निकलती है, बैराट के से आपकी बाणगंगा निकलती है, खंडेला की पहाड़ी से आपकी कौन सी नदी निकलती है? तो कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है वो खंडेला की पहाड़ियाँ है। थारपारकर नस्ल अधिकांशतः पाई जाती है, तो थारपारकर जो नस्ल पाई जाती है वो आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर टू जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील, कौन सी राजस्थान की सबसे मीठे पानी की कृत्रिम झील है? तो ये जय सम्मन झील है, कौन सी झील है? जय सम्मन झील है, बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन कौन सी? जय सम्मन झील है, आपको याद रखना है। तो ये कोलाई झील जो पड़ती है आपकी बीकानेर में पड़ती है, कायलाना झील आपके जोधपुर में पड़ती है, आना सागर जो पड़ती है आपके अजमेर में पड़ती है, कहाँ पड़ती है? आना सागर झील जो पड़ती है अजमेर में, आना सागर झील हाल ही में देखो जल कुंभी का शिखर हो गई, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने देखा था तो पूरी जल कुंभी से ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रिकेट का स्टेडियम होता ना बिल्कुल हरी घास की तरह वैसे हो गई थी। तो प्रशासन इस पर काम कर रहा और बाकी इसको सफाई में लगे हुए हैं, क्योंकि अब जल कुंभी की वजह से मछलियाँ वगैरह भी मरने लगी है, तो ये जल कुंभी बहुत खतरनाक होती है, ये क्या होती है रात भर में पूरी बढ़ जाती है, सुबह प्रशासन साफ करता है रात भर में वापस फैल जाती है, रात भर में वापस फैल जाती है, इसलिए जल कुंभी जो था कि जल कुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, बंगाल में सबसे ज़्यादा जल कुंभी होती है झीलों में तालाबों में, तो ये आनासागर झील है ये जल कुंभी का भी वर्तमान में शिकार हो चुकी है। तो बस आज के 30 क्वेश्चन ही थे, अगले पेपर में शाम को और एक क्लास उपलब्ध कराऊंगा मैं आपको अच्छे से, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।